सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ड्रग्स यूज टू ट्रीट हेडेक डिसऑर्डर्स. ठीक है, बेसिकली हेडेक थ्री टाइप्स या फोर टाइप्स की होती है. चले, फोर टाइप्स ऑफ हेडेक. तो ये समझाने के लिए मैं एक स्कल का डायग्राम बनाता हूँ या हेड का डायग्राम बनाता हूँ. ठीक हो गया, दिस इज हेड ऑफ अ पर्सन. आईज हो गया, ये फोरहेड हो गया. ओके, सेक्सी बाल हो गया. दिस इज ईयर एंड अ वेरी ब्यूटीफुल नेक एंड लिप्स. ठीक है, अब देखें, अगर वो हेडेक है हाफ साइड ऑफ स्कल में, किसी भी एक साइड, राइट और लेफ्ट, ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, मतलब राइट राइट में भी हो सकता है या फिर लेफ्ट में, लेकिन होगा किसी हाफ, मतलब एक साइड में. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं माइग्रेन. ठीक हो गया, अगर ये हेडेक है ऐसे देखें. ओके, मैं ब्लैक से बनाने जा रहा हूँ, एक्स पैटर्न में. हेयर इट इज फ्रंटल एयर साइनस, दोनों साइड का देखें, फ्रंटल एयर साइनस, फ्रंटल एयर साइनस. दिस इज मैक्सिलरी एयर साइनस, मैक्सिलरी एयर साइनस. दरमियान में आ जाते हैं स्पिनोइडल एयर साइनस. ठीक है, तो इसको ये देखें ना, साइनसोइडल हेडेक हो गया ना, या साइनस हेडेक इसको हम कहते हैं. तो ब्लैक वन इज साइनस हेडेक. ठीक हो गया. नाउ थर्ड टाइप इज टेंशन टाइप हेडेक. ठीक है, टेंशन टाइप के लिए मैं ब्लू से बनाता हूँ. ये पूरा का पूरा फोरहेड को कवर करेगा, मतलब लाइक सारा का सारा फोरहेड में पेन होगा, उसको हेडेक होगा, तो उसको हम कहते हैं टेंशन टाइप. टेंशन टाइप हेडेक. एंड द लास्ट वन इज क्लस्टर हेडेक. क्लस्टर हेडेक. इसमें क्या होता है कि आई बल्ब, ये भी किसी एक साइड होगा, या तो राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड, दोनों में इकट्ठे नहीं होगा. ठीक है, तो आई बॉल के अराउंड जो है पेन होगा, सीवियर पेन होगा. ठीक है, तो इसको हम क्लस्टर हेडेक कहते हैं. तो हम बेसिकली यहाँ पर आगे हम फोकस करने वाले सिर्फ माइग्रेन के बारे में, एंड में जो है हम टेंशन टाइप एंड क्लस्टर टाइप हेडेक के बारे में, इसके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ लेंगे. ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट माइग्रेन. ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया, माइग्रेन जो है यूजुअली यूनिलैटरल होता है, यूनिलैटरल हेडेक, जो कि अगर हम इसकी रेट देखें तो, या इसकी फ्रीक्वेंसी देखें तो 1 to 5 टाइम्स पर मंथ जो है ये हेडेक का अटैक्स जो है आता है, और उसकी जो इंटेंसिटी सीवियर, मॉडरेट टू सीवियर होता है, मॉडरेट टू सीवियर पेन. ठीक हो गया. ये एक फेमिलियल डिसऑर्डर है जो कि फैमिली में रन करते हैं, और मोस्ट कॉमनली ये फीमेल में ज़्यादा कॉमन है. ठीक है, और ओके, माइग्रेन जो है बेसिकली दो टाइप की होते हैं. फर्स्ट वन इज माइग्रेन विदाउट ऑरा, एंड द सेकेंड वन इज माइग्रेन विथ ऑरा. माइग्रेन विथ ऑरा. नाउ देखें, यहाँ पर एक नया टर्म आ गया, ऑरा. ऑरा कुछ भी नहीं है एक्चुअली, ये न्यूरोलॉजिकल जो है एबनॉर्मलिटीज या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से हमारे सेंसरी में प्रॉब्लम आना. ठीक है, ये बेसिकली होती है हाइपोपरफ्यूजन ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर. अगर उसको ब्लड ना मिले तो जो है एबनॉर्मल सेंसेशन, मोस्टली विजुअल सेंसेशन जो है एबनॉर्मल आ जाते हैं सामने, लाइनें या ब्लरिंग या फ्लैशेज जैसे जो है मतलब सेंसेशन उसको फील होता है. ठीक है, तो माइग्रेन विदाउट ऑरा में ऑफकोर्स ऑरा नहीं है, तो इसमें क्या है कि हेडेक होगा, यूनिलैटरल हेडेक होगा. ओके, यूनिलैटरल हेडेक होगा जो कि परसिस्ट करेगा 2 to 72 आवर्स. ठीक है, तक जो है परसिस्ट फॉर 2 to 72 आवर्स. माइग्रेन विदाउट ऑरा वाला जो हेडेक है इसको एक्सैग्रेट या फिर जो है ओके प्रमोट करती है एक्सैग्रेट फिजिकल एक्सरसाइज से, एक्सैग्रेटेड बाय फिजिकल एक्सरसाइज. अगर जो है माइग्रेन विदाउट ऑरा का पेशेंट है, अगर वो बहुत ज़्यादा दौड़ ले तो उसको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि फिर से माइग्रेन अटैक हो जाएगा. ठीक है, मतलब अपने जो हैवी फिजिकल एक्सरसाइज को थोड़ा कम कर दे, या फिर जो
माइग्रेन इंड्यूसिंग या हेडेक इंड्यूसिंग सब्सटेंसेस है, जैसे कि कॉफ़ी हो गया, चॉकलेट हो गया, ये खाना बंद कर दें तो उनको जो है माइग्रेन के अटैक को रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। और माइग्रेन, ये माइग्रेन विदाउट ऑरा जो आता है, इसके साथ ना दो तीन चार चीज़ और जो है साथ में होकर आती है, लाइक एज अ क्या कहेंगे, सब्सटीट्यूट या एसोसिएटेड विथ एसोसिएटेड सिम्टम्स, एसोसिएटेड सिम्टम्स जो है इस बंदे में एक तो होगा कि नौजिया, वोमिटिंग, साउंड से एलर्जी, लाइट से एलर्जी, फोटोफोबिया इफ लाइट से एलर्जी हुआ तो, फोनोफोबिया साउंड से एलर्जी, ठीक हो गया। तो ये है बेसिकली माइग्रेन विदाउट ऑरा के बारे में। अब हम बात करते हैं माइग्रेन विथ ऑरा, ठीक है, माइग्रेन विथ ऑरा। इसमें क्या होता है कि हेडेक तो होता ही है, सीवियर हेडेक, बल्कि सीवियर हेडेक, सीवियर हेडेक विथ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, सिम्टम या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉल्ड ऑरा। अभी मैंने बता दिया कि ऑरा क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसके वजह से जो है हमारे विजुअल सेंसेशन या बाकी के सेंसेशन भी, लाइक उसको नंबनेस वगैरह फील होगा तो सेंसेशन में प्रॉब्लम होगा, ठीक है बेसिकली। तो ओके, एक तो हो गया, यह सीवियर हेडेक है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ऑरा के साथ आएगा। अब देखिए ना, ये माइग्रेन विद ऑरा वाले पैसेंट में क्या होगा कि उसको ना माइग्रेन के हेडेक होने से पहले प्रोड्रोमल पीरियड में जो है उसको कुछ अजीब सा सेंसेशन, विजुअल सेंसेशन जो है एबनॉर्मल विजुअल सेंसेशन आने लगेगा, एबनॉर्मल विजुअल सेंसेशन ड्यूरिंग प्रोड्रोमल पीरियड या 20 to 40 मिनट्स बिफोर हेडेक, ठीक है। तो ये जो है एज एन एडवांटेज भी हम इसको ले सकते हैं कि अगर आपको विजुअल सेंसेशन, नॉट आपको, अगर माइग्रेन के पेशेंट को अगर ऐसे एबनॉर्मल सेंसेशन आने लगे तो वो अपने आप को जो है अगर सेफ जगह पे रख ले, सो दैट जो है आगे आने वाला हेडेक होगा तो उससे जो है ज़्यादा उसको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अगर वो ड्यूरिंग ड्राइविंग अगर हेडेक हो गया तो उनको याद नहीं रहेगा, वो एक्सीडेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे कामों में जो है एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये बेसिकली माइग्रेन विदाउट ऑरा एंड विद ऑरा के बारे में ये है। इसके बाद हम देखते हैं कि माइग्रेन में हेडेक क्यों होता है, ठीक है, या माइग्रेन हेडेक जो है पेनफुल क्यों होता है, ठीक है। तो एक्चुअली होता ये है कि दोनों टाइप ऑफ माइग्रेन में आर्टेरियोलर बल्कि इसको हम ऐसे लिखते हैं, क्रैनियल या एक्स्ट्रा क्रैनियल एंड इंट्रा क्रैनियल वैजो आर्टेरियोलर डायलेशन होता है, और इस डायलेशन की वजह से जो है कुछ न्यूरो एक्टिव सब्सटेंसेस निकलती है न्यूरोन से। वो कौन कौन सी सब्सटेंस है, सब्सटेंस पी, हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा था कि जो स्लो पेन फाइबर होता है या जो है जो एक्यूट नहीं होते जो पेन, या सिंपली सॉरी स्लो पेन फाइबर को जो है न्यूरो ट्रांसमीटर जैसा काम करने वाला या उसको स्लो पेन को मॉड्यूलेट करने वाला जो है वो सब्सटेंस पी था। इसके बाद न्यूरोकाइनिन ए एंड द लास्ट वन इज कैल्सीटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड। ये तीनों के तीनों चीज़ जो है पेन को मॉड्यूलेट करती है और जिसके वजह से जो है बोथ टाइप ऑफ माइग्रेन में पेन होता है, हेडेक होता है, ठीक है। तो ये इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट आर द थ्योरीज, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ रिगार्डिंग माइग्रेन, जिसको हम पैथोफिजियोलॉजी ऑफ माइग्रेन भी कहेंगे। तो हम बात कर लेते हैं अब पैथोफिजियोलॉजी ऑफ माइग्रेन के बारे में। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ माइग्रेन, ऑफ माइग्रेन, वक्त के साथ साथ इसकी जो है थ्योरीज भी चेंज होती गई, रिप्लेस होती गई। तो हम पहले बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। सबसे पहला थ्योरी उन्होंने जो साइंटिस्ट ने दिया वो था, उसको हम कहते हैं वैस्कुलर थ्योरी। अकॉर्डिंग टू वैस्कुलर थ्योरी माइग्रेन इज ड्यू टू वैसोडाइलेशन,
कुछ सालों तक जो है बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको माना, बहुत सारे डॉक्टर्स ने इसी के बेसिस पे उनको ट्रीट भी किया, बल्कि अभी भी इनके बेसिस पे ट्रीट हो रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतती गई गुजरती गई वैसे वैसे जो है थ्योरीज भी, नई नई थ्योरीज मार्केट में आने लग गया। तो एक इसके बाद एक नया थ्योरी आया था जिसको हम न्यूरोजेनिक थ्योरी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी माइग्रेन इज ड्यू टू या माइग्रेन इज द रिजल्ट ऑफ न्यूरोनल इवेंट इवेंट्स एंड जो है कॉम्प्रेशन ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, या उन्होंने और भी इससे अच्छा वर्ड यूज किया स्प्रेडिंग डिप्रेशन ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक हो गया। इसके बाद जो है अभी रिसेंटली बेस्ट थ्योरी जो है दिया गया इन दोनों से भी अच्छा थ्योरी, उसको हम कहते हैं थर्ड थ्योरी को एक्चुअली हम इन दोनों कंबाइनली जैसे न्यूरोवैस्कुलर थ्योरी कहते हैं। ओके आई एम सॉरी मार्कर मैं चेंज करता हूँ, न्यूरोवैस्कुलर थ्योरी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूरोवैस्कुलर थ्योरी हमारे जो सेरिब्रल वेसल्स हैं, सेरिब्रल वेसल को सराउंड किया होता है ट्राइजेमिनल नर्व के न्यूरॉन्स ने। ठीक है, दिस इज अ सेरिब्रल वेसल एक्सोन सॉरी न्यूरॉन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व सराउंड्स द वेसल सेरिब्रल वेसल। जैसे ही अब माइग्रेन में क्या होती है, इसकी डायलेशन हो जाती है। ठीक है, इस डायलेशन की वजह से क्या हो गया कि ये नर्व जो है स्टिमुलेट होगा और ये जो है न्यूरो एक्टिव पेप्टाइड्स निकालेंगे और जो है उसके वजह से जो है माइग्रेन होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ट्राइजेमिनोवैस्कुलर थ्योरी भी कहते हैं, वैस्कुलर थ्योरी। ठीक हो गया। और ये माइग्रेन का हेडेक बहुत ही सीवियर हेडेक होता है तो